Hello friends, I am Nishant Kumar here to discuss about the basic science and engineering topic. Basic science and engineering drawing subject में हम लोग बात कर रहे हैं. आपको basic electricity पढ़ रहे हैं. Basic electricity में मैंने 10 lecture पढ़ा दिए हैं. Please आप जाएं उन lecture को पढ़ें. ये lecture आपको electrical, electronics, wireman, mechanical, radio and TV, electromechanics वाले के लिए भी है, क्योंकि ये all trade का है, तो इसको पढ़ें. और बात की जाए तो आपको पार्ट टू के लिए तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो प्लीज आप अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट बना है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं. और इलेक्ट्रिकल का भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आप वहां पे इलेक्ट्रिकल का आप क्वेश्चन देख सकते हैं. अगर बात की जाए तो मैं पूरा आपको टेक्निकल करा रहा हूँ. अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाएं देखें. और जो बात है करेंट अफेयर की, करेंट अफेयर के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं वीडियो को लाइक कर देता हूँ. मैं स्टडी आईक्यू या किसी और भी साइट का मैं वीडियो क्या करता हूँ, लाइक कर देता हूँ, जिससे क्या होता है कि वो मेरे लाइक प्लेलिस्ट में चला जाता है, जिसे आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं दूसरे चैनल के साथ कोऑर्डिनेट करके मैं आपको फुल प्रिपरेशन का टारगेट देता हूँ. तो प्लीज, और ये चैनल आपको भी पता है 400-500 मिलियन होने पे भी वो लोग उतने अच्छे क्वालिटी के टीचर नहीं दे रहे हैं जितना कि मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ. तो चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें और कि मेरे चैनल का पार्ट बने और इससे बेनिफिट उठाएं, क्योंकि आपको भी पता है जब टाइम निकल जाएगा तो आप बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं. ठीक है जी, तो टाइम रहते ही सब कुछ आप फायदा ले लें. आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर पढ़ने के लिए. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफार्मर और बैटरी. मैं बता दूं कि पार्ट बी में भी आपको, सेकंड स्टेज का पार्ट बी में भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन में क्यों हुई जो सेल टॉपिक पढ़ना है आज, उसको भी मैं कवर कराऊंगा. और आपको पार्ट ए में भी आपको ये पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी. यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर में हमको क्या पढ़ना है जी. ट्रांसफार्मर बोल रहा है जी, देखिए ट्रांसफार्मर का मैं आपको सिंबल दिखाना चाहूंगा. तो ट्रांसफार्मर के देखिए क्या होता है जी, ट्रांसफार्मर इस शेप का होता है. कैसा होता है ये होता है जी, मैं इसका एक शेप दिखा दे रहा हूँ. ये क्या है, प्राइमरी बाइंडिंग. क्या जी, प्राइमरी बाइंडिंग है, प्राथमिक बोला जाता है. ये है सेकेंडरी बाइंडिंग है. ठीक है जी, ये मेरा एक क्वाइल है, एक मेरा कोर बना हुआ है जी. क्या है जी, कोर, आयरन का कोर रहता है. ठीक है, इधर आपको एक हाई वोल्टेज दिया जाता है, इधर लो वोल्टेज निकलता है, या इधर लो वोल्टेज दीजिएगा तो इधर हाई वोल्टेज निकलेगा. वो हमारे जैसा रिक्वायरमेंट होगा हम वैसा उसे बना लेते हैं. ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं. बात की जाए तो ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं जी, ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं. ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं जी, ट्रांसफार्मर कितने तरह के होते हैं, तो ट्रांसफार्मर आपको दो तरह के होते हैं. चलिए ट्रांसफार्मर के बेसिक के बारे में कुछ पढ़ लें. तो ट्रांसफार्मर की कुछ बेसिक पढ़ेंगे जी. ट्रांसफार्मर एक एस्थेटिक मैंने स्टेटिक युक्ति है जो वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित करता है, यानी हाई टू लो या लो टू हाई भी कर सकता है, दोनों कर सकता है. ये क्या है, स्टेटिक डिवाइस है जी, ये कोई इसमें रोटर नहीं होता इसमें, इसलिए इसकी इफिशियंसी सबसे हाई होती है. किसी भी डिवाइस से इसकी इफिशियंसी क्या होती है जी, हाई होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर डिवाइसेज. क्योंकि सभी डिवाइसेज में जब तक रोटर रहेगा यानी डायनेमिक पार्ट होगा तो उसमें क्या होगा जी, पावर कंजम्पशन होगा, और यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता है. बात की जाए तो ये किस पे काम करता है, तो ये म्यूचुअल फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, उस बेसिस पे काम करता है जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है. ये एसी पे कार्य करता है, डीसी पे नहीं. बात की जाए कि ये एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं, मैं आपको ये कितनी बार लेक्चर में बता चुका हूँ क्यों ये एसी पे क्यों काम करता है, क्योंकि म्यूचुअल. ये देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए हमको क्या चाहिए जी, एक ऐसा हमको इनपुट चाहिए जो क्या रहे, चेंज होता रहे. अगर इनपुट नहीं चेंज होगा तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नहीं होगा. तो इसलिए इनपुट चेंज होता है किसमें, एसी में होता है, न कि डीसी में होता है. यह शक्ति तथा आवृत्ति को नहीं बदलता. बोला है देखिए, अब पावर क्या है जी, जितना पावर जाएगा उतना पावर आउटपुट निकलेगा. ठीक है जी, यानी वोल्टेज करंट घटेगा बढ़ेगा, लेकिन फाइनली इनपुट में जो वी आई का प्रोडक्ट है. अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल पावर की, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है जी हमारे पास, ये मैं देखिए कल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर पढ़ाया हूँ उसका है. तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो आप प्लीज जाके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फोल्डर को भी देखिए. और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल वाले भी आपको प्लेलिस्ट देखने पड़ेंगे जी.
तो बात कीजिए पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है जी? प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है जी? हमारा पावर होता है। तो अगर बात की जाए कि इनपुट में हमारा क्या होगा, मान लीजिए प्राइमरी पार्ट में V1 लिखिए, इधर प्राइमरी पार्ट में क्या है जी? V है, करंट क्या है? I1 है, V2 है, I2 है। तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? दोनों वोल्टेज घट बढ़ सकता है, इधर वोल्टेज हाई रहे या लो रहे वो कोई मतलब नहीं करता, लेकिन करंट के साथ जब मल्टीप्लाई होकर आएगा तो फाइनली क्या होगा जी? इक्वल होगा। ये हम मान रहे हैं आइडियल केस है जी। आइडियल केस है तो आइडियल केस में क्या होगा? पावर का लॉस नहीं होगा, तब ये होगा। अगर बात की जाए आइडियल नहीं रहेगा तो क्या होगा? आइडियल नहीं होगा तो प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होगा तो पावर का लॉस होगा ही होगा जी। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का। अब बात की जाए फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए अगर सप्लाई 50 हर्ट्ज पे हुआ है तो हमको कंजम्पशन भी 50 हर्ट्ज पे ही करना पड़ेगा। तो इसलिए हमको ये इस बात को ध्यान देना है, इस बात पे ध्यान देना है कि अगर हम सप्लाई का फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगी? बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि आवृत्ति को भी नहीं बदलते हैं जी। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ना पावर बदलता है ना आवृत्ति बदलता है, कौन? आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन बात की जाए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या करेगा जी? पावर को तो चेंज कर देगा लेकिन आवृत्ति को चेंज नहीं करेगा। अब बात करें कि वोल्टेज तो चेंज करता ही है, करेंट भी चेंज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर डीसी सप्लाई दी जाए तो ट्रांसफार्मर बाइंडिंग जल जाएगी। बोला कि अगर डीसी सप्लाई, मैं बोल रहा हूँ कि आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कब काम कर देगा? जब इनपुट करंट जो होगा, मैंने करंट क्या होगा? बदलता रहेगा। बदलता किस में है जी? तो इसी में बदलता है, तो उस पर काम करेगा। अगर डीसी देंगे तो करंट तो बदल नहीं रहा, तो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग क्या होगा जी? जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? क्योंकि डीसी क्या करेगा? बदल नहीं रहा, तो इससे म्यूचुअल इंडक्शन तो होगा नहीं, तो इससे क्या होगा? हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट होगा, सारी एनर्जी किस में होगी? हीट में प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा? बाइंडिंग जल जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखा जाता है कि डीसी पे हम ट्रांसफार्मर को नहीं रन कर सकते जी। ठीक है ना, इसलिए इनपुट कभी भी क्या देंगे जी? एसी ही देंगे। बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 95 से 99% तक होती है। देखिए कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही, तो देखिए कितना लॉस है जी? तो 4 से 5%, यानी 1 से 4% तक लॉस हो सकती है। तो देखिए बहुत अच्छे ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है? 95 से 99%। कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसकी क्षमता इतनी हो जी, इतनी दक्षता हो, उसकी इफिशियंसी इतनी हो। इतनी इफिशियंसी कभी नहीं होता है किसी भी ट्रांसफार्मर में, नहीं सॉरी ट्रांसफार्मर किसी भी डिवाइस में नहीं होता, क्योंकि सभी डिवाइस में क्या होते हैं? रोटर होते हैं, कुछ ना कुछ मैकेनिकल लॉसेज हो जाता है जी। और यहाँ पे कुछ मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है, क्या है जी? कन्वर्जन हो रहा है, क्या है जी? म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, तो जिससे क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी रहती है। बात की जाए ट्रांसफार्मर की दक्षता या रेटिंग किलो वाट वोल्टेज एम्पियर में व्यक्त की जाती है। किसमें किया जाता है? किलो वोल्ट मीटर, वोल्ट एम्पियर। किलो है जी, ये तो 10 के पावर 3 होता है, वोल्ट आपको वोल्टेज का होता है, एम्पियर का क्या होता है जी? ये वोल्ट है, ये आई है, यानी क्या है जी? वी आई का प्रोडक्ट है, ये तो यूनिट है आपको। 10 के पावर 3, 10 के पावर 6 क्या होता है जी? ये तो मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए किलो वोल्ट एम्पियर में क्या होता है जी? इसकी दक्षता रेटिंग की जाती है। अगर हमको कोई भी पावर निकालेंगे तो वोल्टेज और एम्पियर करंट का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको क्या करेंगे जी? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? किलो वोल्ट एम्पियर में हो जाएगा। हम लोग सब कैलकुलेशन करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग थोड़ा सा डीप में इसके स्टडी करें, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा अभी तक कोई गारंटी नहीं है जी। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, आप प्रीवियस लेक्चर भी जाकर देखें, मैंने कुछ न्यूमेरिकल करा रखे हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप उस पर भी कमेंट करें। देखिए फीडबैक नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे नहीं फर्क पड़ता है, आप कमेंट करें। क्योंकि मेरा वीडियो कैसा है, किस पोर्शन में कमी रह गया है, तो मैं उस पोर्शन को फिर से दोबारा लेक्चर बना दूंगा, जिससे क्या हो जाएगा? ऐसा भी लग रहा होगा कि किसी लड़के को भी होता है कि कोई पोर्शन जो होता है उसको समझ में नहीं आता है, तो मैं उसके लिए दूसरा भी वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है ना जी, तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज़ आप उसको पढ़ें, पूरे प्लेलिस्ट को देखें आप, और दोस्तों को भी रिकमेंड करें। मैं बार बार सब्सक्रिप्शन और रिकमेंडेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सब्सक्राइबर जो है जी आपके 2000 ही हैं, तो प्लीज़ आप इसको बढ़ाइए। इससे ज़्यादा क्या होगा कि व्यू वगैरह बढ़ेगा हमारे चैनल्स के, और इससे क्या होगा? हमारी फैसिलिटी बढ़ेगी और हमारी जो क्या होगी, टीचर में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए दूसरे में टीचर से भी कांटेक्ट करूँ इसके लिए, तो प्लीज चलिए वो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा क्लासेज। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड प्रतार सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, जिसकी चुंबकशीलता ऊंच होती है, जिसके कारण भंवर धारा, ईडी करंट, एमए हिस्टेरेसिस क्षति कम होती है। देखिए
बात की जाए ट्रांसफार्मर का क्रूड परतदार होता है, कैसा हो जाए लेयर सिलिकॉन इस्पात का बना होता है, जिसकी चुंबकशीलता ऊंच होती है। चुंबकशीलता क्या होती है? ऊंच होती है। जो मैंने कोर दिखाया था, जो आप ट्रांसफार्मर में क्या है जी कोर होता है, जो ये क्या होता है वही बोल रहा है, वो क्रूड क्या होता है परतदार होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे ऐसे जो मैंने फिगर एक बार दिखा रहा है ऐसे बहुत सारे होते हैं, फिर से इसके ऊपर ऐसा ही होता है, इसके ऊपर भी ऐसा ही रहता है। तो वही बोल रहा है ट्रांसफार्मर के क्रूड क्या होता है परतदार होता है, लेयर वाइज ऐसा ही होता है। सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। अब देखिए सिलिकॉन इस्पात का बना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सिलिकॉन इस्पात का ही बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि सिलिकॉन इस्पात आपको पता है कि क्या होता है जी, कास टफ होता है, क्या होता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जी, इसमें फ्लक्स को क्या करेगा पूरा का फुल्ली ये क्या करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ जनरेट होगा, जो वो क्या करेगा यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, इसीलिए हम सिलिकॉन इस्पात का बना होता है जी। इसकी चुंबकशीलता ऊंच होती है जिसके कारण ईडी करंट हिस्टैरेसिस क्षति कम होती है। बोला है इसकी चुंबकशीलता जितनी अच्छी होगी क्या होगा ईडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा जी कम होगा। बात की जाए ट्रांसफार्मर लॉसेज में, देखिए ट्रांसफार्मर लॉस का, तो ट्रांसफार्मर लॉस में कौन कौन सा होता है जी, मैकेनिकल लॉस होता है और क्या हो जी हिस्टेरेसिस लॉस, ईडी करेंट लॉस, आयरन लॉस, आयरन लॉस। ठीक है देखिए, तो क्या होता है जी आयरन लॉस होता है और मैकेनिकल लॉस होता है। तो जब आपका आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस बराबर हो जाता है तो उस समय क्या होती है ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या होती है जी हाई होती है। तो अब बात कीजिए मैकेनिकल लॉस में क्या है, तो हिस्टेरेसिस लॉस है, हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस है जी, ईडी करंट लॉस। ठीक है ना जी। अब बात की जाए कि ईडी करंट लॉस कौन सा है जी, इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि ट्रांसफार्मर आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के सेकंड पार्ट में भी बहुत डीप में पढ़ना है, ट्रांसफार्मर के बारे में ही पूरा पढ़ना है, तो प्लीज इसको ध्यान रखें। बात की जाए हिस्टेरेसिस लॉस, तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है जी, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है, जो हमारा करंट घटता बढ़ता है उसके वजह से क्या होता है जी हिस्टेरेसिस लॉस होता है। ईडी करंट लॉस क्या है जी, तो ईडी करंट लॉस क्या है, जो हमारा कोई भी जो हमारा प्लेट है, ऐसे जो प्लेट है कोर है जो हमारा, उस कोर में क्या होता है, इस कोर में ही क्या होता है ऐसे 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 करंट बनने लगता है, क्या होता है जी ऐसे ऐसे भंवर, जैसे जैसे आप पानी के भंवर देखे होंगे, स्ट्रीम का देखे होंगे करंट, तो क्या होता है वहीं ईडी बनने लगता है, क्या होता है छोटे छोटे करंट बनने लगता है। तो इसको भी लॉस से हमको बचाना पड़ता है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, हम तो चेंजिंग करना ही करना, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन कब होगा जब चेंजिंग होगा, तो हिस्टेरेसिस लॉस होगा ही होगा, तो उसको तो हम कम कैसे कर सकते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे एक से ज़्यादा लिमिट से कम नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं ईडी करंट लॉस को, तो ईडी करंट लॉस अगर मान लीजिए पूरा का पूरा ऐसे प्लेट रहेगा तो क्या होगा, इतना बड़ा बढ़ेगा जो भंवर, जितना बड़ा बनेगा उतना बड़ा लॉस हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पीसेज में काट सकते हैं, जिसे पीसेज में काट देंगे तो क्या हो जाएगा ईडी जो भंवर होगा छोटा छोटा होगा, इसीलिए हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको, तो इससे क्या होता है ईडी करंट लॉस कम होता है। ईडी करंट लॉस क्या होता है जी, कम हो जाता है। अब बात कर रहे हैं आयरन लॉस, तो आयरन लॉस क्या होता है जी, आयरन लॉस आपको देखिए आई स्क्वायर आर होता है जी, आई स्क्वायर आर जो कंजम्पशन होता है, तो आई पी अपॉन आर पी प्लस आई सेकेंडरी एस सेकेंडरी लूप में जो चलेगा ऑन टू आर एस। देखिए यहाँ लॉस ये लॉस ये दोनों जोड़ते हैं, तो ये क्या है हमको तो करंट और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो हम उसको तो कम कर नहीं सकते क्योंकि तो करंट वोल्टेज रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, तो आयरन लॉस भी ऐसे होता है। तो देखिए हमने लॉस कितने पढ़े जी, इसी को बोल रहा है कि हमारे पास कौन कौन सा लॉस है जी, ईडी करंट लॉस है और हिस्टेरेसिस लॉस है जी। ठीक है ना, तो इसको हमको कम करने के लिए क्या चाहिए जी, हमको सिलिकॉन इस्पात का क्या करते हैं लेयर्ड लेयर्ड क्रूड बनाते हैं जी, जो कोर हमने लेयर्ड इसीलिए बनाया, ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि इससे क्या होगा हिस्टेरेसिस लॉस और ईडी करंट क्या होगा जी कम होगा, इसीलिए हम इसे बनाते हैं। अब बात की जाए कि तो हमने इसे बनाया क्यों, हमने पूरा प्लेट अगर बनाते तो क्या होता दिक्कत हो जाता है, ईडी करंट क्या होता है हाई ज्यादा होता, हाई होता। ट्रांसफार्मर की कुंडली बाइंडिंग कॉपर की बनी होती है, बोला ट्रांसफार्मर की जो कुंडली होती है कॉपर की बनी होती है, कौन सा जी ट्रांसफार्मर। देखिए अब ट्रांसफार्मर की कुंडली होती है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है जी बाइंडिंग होता है, तो कॉपर का बना होता है। देखिए यहाँ पर देखिए बाइंडिंग कौन सा, ये वाला कॉपर की बाइंडिंग है, ये वाला कॉपर की बाइंडिंग है, ये प्राइमरी बाइंडिंग है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग है, तो ये बोल रहा है किसका बना रहेगा, तो कॉपर का बना रहेगा, किसका बना रहेगा कॉपर का बना रहेगा। देखिए सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी अगर देखा जाए तो किसकी है जी, सोना का है, उसके बाद क्या है चांदी का, उसके बाद किसका है कॉपर का, तो सोना चांदी तो यूज कर नहीं सकते, क्या होगा इसे तो बहुत महंगा हो जाएगा ट्रांसफार्मर, इसलिए कॉपर मेन प्रायोरिटी पे आ जाता है। ठीक है ना, तो कॉपर भी उतना सस्ता नहीं होता है, अगर एल्युमिनियम के रेस्पेक्ट में देखें तो कॉपर भी महंगा होता है, उससे भी सस्ता क्या होता है एल्युमिनियम का होता है। आप जाएंगे जब फैन वगैरह खरीदने तो आपको जाइएगा तो पूछिएगा कि मुझे कॉपर बाइंडिंग वाले चाहिए,
फैन, तो आपको देखिएगा महंगा नहीं देगा लो। फिर से मांगेंगे और उससे सस्ता मांगेंगे तो एल्युमिनियम बाइंडिंग देगा लो। सील और सिल्वर और सोने की तो कोई बाइंडिंग वगैरह नहीं बेचा जाता, क्योंकि वो बहुत महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए वो सोना और चांदी का बाइंडिंग तो कभी किया ही नहीं जाता है, ये तो पता चलेगा ट्रांसफॉर्मर चोरी होने लगा, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए जो हमारे वायर होते हैं, वायर चोरी हो जाता था पहले पुराने जमाने में, क्या होता था जी, हमारे वो जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर थे वही चोरी हो जाता था। पता चलेगा कि उसमें सरकार अगर चांदी के वायर लगाने लगा तो पूरे वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और वैसे ही अगर ट्रांसफॉर्मर लगा तो पूरे ट्रांसफॉर्मर ही गायब रहेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, ये हमारे पुराने समय में हमारे इंडिया का ऐसा ही हाल था, चोरी शान से करते थे, टैक्स भी चोरी क्या करते थे, शान से करते हैं लोग इंडिया में। पहले तो जो चोरी करता था टैक्स का, वो उसको सीना चौड़ा करके कहता था कि हमने ये चोरी किया है। आज देखिए, आज उसको नेगेटिव सेंस में लिया जा रहा है, तो माहौल चेंज हो रहा है, धीरे धीरे हमारा चेंज होता रहेगा। तो प्लीज आप भी माहौल चेंज कीजिए, जो अच्छे पढ़ा रहे हैं उनको प्रमोट कीजिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो चैनल या बड़ा ही क्यों ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर के टाइप के अंतर्गत होती है, ट्रांसफॉर्मर का बोल रहा है कि दो टाइप है, कौन कौन सा है जी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन। स्टेप अप यानी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से ही पता चला कि वोल्टेज क्या होगा जी, बढ़ जाएगा। यानी इधर वोल्टेज अगर कम देंगे तो इधर वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए जैसे इसमें एग्जांपल लिया गया है कि 10 वोल्ट 100 वोल्ट का बैटरी है, इधर दिया गया है 10 एम्पियर का करंट दिया गया है, तो इधर क्या मिलेगा जी, 400 वोल्ट मिलेगा, 250 एम्पियर मिलेगा। देखिए अब क्या हुआ कि पावर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। पावर क्या रहेगा जी, कांस्टेंट रहेगा। देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 × 10 एम्पियर, तो पावर कितना हो गया 1000, 400 × 250, तो क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, 1000, 1000 ई बी हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, ई बी हो जाएगा वाट। तो देखिए दोनों क्या हो गया जी, बराबर हो गया ना। तो इसीलिए पावर तो बराबर रहेगा, ये आइडियल ट्रांसफार्मर लिए हैं, ठीक है ना, इसीलिए पावर क्या है जी, बराबर है। अब बात की जाए तो देखिए इधर क्या है मेरा, लो वोल्टेज था, इधर क्या हो गया जी, हाई वोल्टेज हो गया, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। लेकिन करंट इधर हाई था, इधर करंट क्या हो गया जी, लो हो गया। इधर करंट क्या था, हाई था, इधर करंट क्या हो गया, लो हो गया। तो हम इसको वोल्टेज के हिसाब से बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस बात को ध्यान दीजिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसके हिसाब से बोलेंगे जी, तो हम इस वोल्टेज के हिसाब से बोल रहे हैं। चलिए इधर भी 1000 वाट का है, इधर भी 1000 वाट का है, इधर वोल्टेज क्या है जी, वोल्टेज लो है, इधर वोल्टेज हाई हो जाएगा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। इतना बात हमने सीखा। सेकंड में आते हैं, यही सब बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, यह लो एसी वोल्टेज को क्या करता है। अब देखिए एसी तो है, डीसी तो है नहीं इसमें, क्योंकि हमने डीसी में बताया था कि क्या हो जाएगी, ट्रांसफार्मर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, एसी लो वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीय फेरों की संख्या अधिक होती है। देखिए अब बात करना है, एक बात समझिए, एक फॉर्मूला हमको क्या करना होगा जी, इस सब देखिए ये सब मैं बता रहा हूँ, ये सब याद करने से बढ़िया है मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। कौन सा फॉर्मूला जी, तो एक ट्रांसफार्मर की क्या होती है जी, ट्रांसफार्मर सूत्र होता है। चलिए पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए थोड़ा बुक में यही दिक्कत होती है कि बुक वाले जो होते हैं क्या करते हैं, एक पैटर्न नहीं बताते हैं, वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते। तो हम बात करते हैं यहाँ ट्रांसफार्मर की पावर को, ट्रांसफार्मर की शक्ति को किस में डिनोट करते हैं, तो किलो वाट में करते हैं, व्यक्त किया जाता है, ठीक है जी, या किलो वोल्ट एम्पियर में भी किया जाता है। अभी मैंने किलो वोल्ट एम्पियर में पढ़ा था, यहाँ पे क्या पढ़ा, किलो वाट में पढ़ा जाता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, जिस जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर स्व प्रेरण। देखिए ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर, नाम से दिखिएगा जी, बहुत इंपोर्टेंट है, स्व प्रेरणा पे सिद्धांत पे काम करता है। ट्रांसफार्मर कोई पूछेगा म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर पूछेगा तो म्यूचुअल इंडक्शन, ऑटो ट्रांसफार्मर पूछेगा तो स्व प्रेरण। देखिए ऑटो में सेल्फ होता है, तो क्या है जी, ऑटो ट्रांसफार्मर किस में करेगा, तो सेल्फ इंडक्शन। इसको इंग्लिश में अगर नाम पूछिएगा, देखिए म्यूचुअल इंडक्शन है, इसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ है, तो क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर होगा। म्यूचुअल ट्रांसफार्मर मतलब क्या है जी, दो चाहिए तो म्यूचुअल ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर बोल रहा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर फॉर्मूला देखिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए मेरे पास ट्रांसफार्मर है, ये मेरा ट्रांसफार्मर का क्या है जी, कोर है, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी है, ये मेरा प्राइमरी है, ये मेरा सेकेंडरी है। इधर मैंने वोल्टेज मान लिया कि V क्या है जी, 1 है,
प्राइमरी में वोल्टेज वन, इधर करंट वन, आई वन मान लिया, इधर क्या मान लिया जी, जो इसके टर्न है कितने टर्न है, कितने इसके टर्न है जी, तो एन वन टर्न है, ठीक है ना, क्या जी, इसकी संख्या कितना है जी फेरों की, तो एन है। इधर सेकेंडरी में बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज वी टू, करंट क्या हो जाएगा जी आई टू, और नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा एन टू, यानी इधर फेरों की संख्या कितनी है जी एन टू है। इसमें एक कोई फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा, तो क्या है जी इसका फॉर्मूला है, ट्रांसफार्मर सूत्र जो दिया गया है यहाँ पे दिया गया है, इसको मान लीजिए के एक रेशियो है, नंबर ऑफ टर्न एन एस अपॉन एन पी, वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। देखिए वोल्टेज में, देखिए वोल्टेज में क्या है जी, ऊपर एस है यानी सेकेंडरी है, नीचे प्राइमरी है, ऊपर सेकेंडरी है नीचे प्राइमरी है, लेकिन करंट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, करंट में प्राइमरी ऊपर चल जाएगा और क्या हो जाएगा जी आई नीचे आ जाएगा, इसी इसी को याद रखना है जी। तो ये क्या है मेरा ट्रांसफॉर्मर सूत्र है जी, मैं बता दिया आपको। आई पी क्या है जी, देखिए मैंने यहाँ पे वन टू लिया है तो इसको प्राइमरी कर दीजिए, तो प्राइमरी में क्या है जी सब्सक्रिप्शन पी कर लीजिए, सब पी कर लीजिए, या सेकेंडरी में क्या कर लीजिए ये सब एस कर लीजिए, तो उसी बात को लिखा गया। तो हमको उसे नहीं समझना, हमको तो बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए, पी लिखा है वन लिखा टू से कोई फर्क नहीं है, प्राइमरी को वन लिख दिया है सेकेंडरी को टू लिख दिया तो उसने ये बना रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। तो इससे हमारा ट्रांसफॉर्मर फॉर्मूला पता चला, ट्रांसफॉर्मर फॉर्मूला में क्या है जी, अब हम ये सब जानते हैं क्वांटिटी क्या है क्या नहीं है। तो देखिए जब हमने ये पढ़ रखा है तो देखिए अब हमको जो ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूरा पढ़ना है, देखिए बोल रहा है इसमें प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में, प्राथमिक फेरों के ये है द्वितीय फेरों की संख्या अधिक होती है। अब देखिए अब मैंने बताया था कि आपको जो ये बता रहा हूँ कि देखिए ये क्या है जी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी एस अपॉन वी पी बराबर क्या है के, और एन एस अपॉन एन पी बराबर आई में उल्टा होता है आई पी अपॉन आई एस। तो देखिए वी जिधर ज्यादा रहेगा यानी वोल्टेज कौन सा इधर ज्यादा है, तो इधर नंबर ऑफ टर्न क्या होगा ज्यादा होगा, वही बोला है प्राथमिक फेरों की संख्या की तुलना में द्वितीय फेरों की संख्या अधिक होती है, तो द्वितीय में ज्यादा होगा क्योंकि इधर वोल्टेज ज्यादा है, तो इधर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न भी क्या होगा ज्यादा होगा। देखिए फिगर में भी नंबर ऑफ टर्न क्या है, फेरों की संख्या क्या है ज्यादा बना रखा है। अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं ना, अगर इमेज में दिखा रहा हूँ तो उसका सेंस है जी, ठीक है ना, तो प्लीज आप उसको समझने की कोशिश करें। अगर मैं इमेज दिखा रहा हूँ ज्यादा नंबर ऑफ टर्न, तो आप उसको समझिए, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखिएगा, बता दे रहा हूँ। पार्ट बी में भी आपको सिलेबस में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वायरमैन इलेक्ट्रो मैकेनिक्स रेडियो एंड टीवी ये सब जो भी है ब्रांचेज, उनके सेकेंड पेपर में भी थी सिलेबस में है जी, आपको ट्रांसफॉर्मर है, सेल वगैरह भी है, और मैं बता दूं कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी ये टॉपिक्स है। तो प्लीज आप समझ सकते हैं कि जब एक टॉपिक को दो तीन बार मेंशन किया गया तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए इसमें बोला है वही स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा ये नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा जी कम हो जाएगा, क्योंकि इधर वोल्टेज क्या है जी कम है, तो इधर वोल्टेज कम है तो क्या देखिए इसमें भी क्या है, 1000 वोल्ट का है, 2 एम्पियर करंट है जी प्राइमरी में, तो क्या हो जाएगा 2000 पावर हो जाएगा, 2000 वाट हो जाएगा। देखिए इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 10 2000 वाट, तो देखिए पावर इधर जितना दे रहे हैं उधर पावर उतना ही मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या मिल रहा है इधर 50 हर्ट्ज है इधर भी 50 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी पावर चेंज नहीं हो रहा है कौन सा जी आइडियल ट्रांसफार्मर में, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर अगर रहेगा जो भी तो क्या हो जाएगा जी प्रैक्टिकल में तो कुछ ना कुछ लॉस होगा ही। अब बातें हैं या हाई एसी वोल्टेज, देखिए अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, हाई को लो में चेंज करेगा तो हाई एसी वोल्टेज को किसमें करेगा, लो एसी वोल्टेज में करेगा। इसमें द्वितीयक फेरों की संख्या तुलना में प्राथमिक फेरों की संख्या अधिक होती है, इसमें द्वितीय फेरों की संख्या की तुलना में प्राथमिक फेरों में अधिक होती है, तो प्राथमिक में क्या है जी हाई है। देखिए इधर वोल्टेज ज्यादा है तो इधर क्या होगा टर्न ज्यादा होगा, इधर वोल्टेज ज्यादा होगा उधर टर्न ज्यादा होगा, ये याद रखिए कितना आसान तरीका है। अब देखिए मैं आपको लग रहा है कि अगर वीडियो को नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप जाइए और इसको समझिए। देखिए फिर से उसी में हम पढ़ा देते हैं कि जैसे लो से जो हाई था उसी ट्रांसफॉर्मर में उस इसका ट्रांसफार्मर में अनुपात 1 से अधिक होगा। देखिए अब जो आपको से मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसमें अगर बात की जाए तो देखिए इसका अनुपात क्या होगा जी, इस वाले का अनुपात क्या था, लो से हाई वोल्टेज था तो लो से हाई वोल्टेज वाला का क्या था के बराबर वी एस बाई वी पी, तो सेकेंडरी में वोल्टेज जब ज्यादा रहेगा, वोल्टेज जब ज्यादा रहेगा ये कम रहेगा तो 1 से ज्यादा होगा जी, अगर मान लीजिए 500/400 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 से ज्यादा होगा ना, तो ग्रेटर देन वन है, क्योंकि जब ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो क्या हो जाएगा 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो किसमें होगा ये आपको, इसमें क्या हो जाएगा हाई रहेगा, किसमें रहेगा जी
हाई रहेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या रहेगा, इसमें वोल्टेज का मान बढ़ता है और करंट कम होता है। देखिए इसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, 100 वोल्ट से 400 वोल्ट हो रहा है, लेकिन करंट का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। मैं आपको यही बात बता दिया हूँ, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या आ जाए, इसमें वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन बात की जाए कि जो आपका ट्रांसफार्मर रेशियो था, ट्रांसफार्मर रेशियो कौन सा जी, ये जो मैं के दिखा रहा हूँ, ये जो मैं के दिखा रहा हूँ, ये ट्रांसफार्मर रेशियो, ध्यान दीजिए, ये क्या है, क्या है जी, ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, इधर वोल्टेज कम रहेगा, इधर वोल्टेज हाई रहेगा, तो स्टेप ट्रांसफार्मर का जो रेशियो का क्या होगा जी, 1 हो जाएगा। ट्रांसफार्मर अनुपात बोलते हैं हिंदी में, जो क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाए, ट्रांसफार्मर रेशियो इंग्लिश में बोलते हैं जी। ठीक है, देखिए वीडियो को समझिएगा। ट्रांसफार्मर मेरा इतना था जी, ट्रांसफार्मर में हमने यहाँ पे पढ़ा। चलिए ट्रांसफार्मर में कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको भी पता है, आपने तो बहुत सारे चैनल से पढ़े होंगे, आपको भी पता है कि बहुत सारे चैनल ने तो बहुत पढ़ा है ट्रांसफार्मर में, बहुत पढ़ा है, लेकिन न्यूमेरिकल के नाम पे एक न्यूमेरिकल भी नहीं करा है, एक कंसेप्ट तक उनका क्लियर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो लोग क्या पढ़ा रहे हैं। अगले दिन आते हैं तो सॉरी बोलते हैं जी कि पहले दिन मैंने एक गलती कर दिया था। उनके 5-6 मिलियन फ्लोर्स हैं जी, 5-5-6-6 मिलियन फ्लोर्स हैं, और उनके पास क्वालिटी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है ना, बहुत ही लूज है, बहुत ही लूज है। आपको मैं बता दूं, क्या मैं बताऊं आपसे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना लूज है कि आप किसी भी बीटेक वालों को ले लेते हैं। ऐसा जरूरी है जी, आपको पैसा अगर कम देना है तो बीटेक वालों के ले लीजिएगा, जो नए नए हैं, जो एक्सपीरियंस, उनको नहीं लीजिएगा, तो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना लूज है कि वो बहुत खराब खराब टीचर ले रहे हैं। मैं आपको फिर से मैं ये भी बता देना चाहूँगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको ग्रुप डी का जो जो पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, वो अपने से क्वेश्चन डाल रहे हैं जी, ध्यान दीजिएगा इस बात को। मैं बता रहा हूँ कि आप वैसे स्टैंडर्ड चैनल को ही फॉलो कीजिएगा, जिसको आप लगता है कि रिलायबल है, इस क्वेश्चन को आता हो, क्योंकि आप दोस्तों से पूछिए, और क्या कुछ ऐसे चैनल भी हैं, आपको वो मैं बता रहा हूँ कि 4 से 5 चैनल ऐसे आपको मिले हैं जो ग्रुप डी का पेपर बना रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या है जी, वो लोग बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार अपने से पेपर बना रहे हैं। मैं बता दूंगा, इसमें है आपको एवरी डे न्यूज का जाके चैनल देखिएगा, वो डेली चैनल क्वेश्चन बना रहा है जो नहीं आ रहा है, और फालतू दिन एक दिन एग्जाम भी नहीं था, उसके बाद भी उन्हें पेपर एनालिसिस बनाया था इसने। एजुकेशनल शर्मा जी हैं, एजुकेशनल शर्मा जी हैं जी, ये भी क्या है जी, बहुत बेकार है। आपको पता है कि स्टैटिक जीके का करंट क्वेश्चन कम आ रहा है, स्टैटिक जीके का करंट का क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, फिर भी वो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ज्यादा दिखा रहा है, बहुत ज्यादा दिखा रहा है जी। उसका पेपर एनालिसिस देखिए, और जिस दिन एग्जाम नहीं रहा उस दिन भी बना रहा है। बहुत सारा और भी चैनल, मैं क्या नाम लूँ, ऐसे चैनल का नाम लेना भी बहुत क्या है जी, दिक्कत है। तो और मेरे ये आपको यूट्यूब चैनल के क्या है जी, गाइडलाइंस के भी खिलाफ है, तो प्लीज मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप उन सब चैनल को छोड़ दीजिए जी, उन सब चैनल को छोड़िए, और आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सा आपको धोखा दे रहा है, कौन सा धोखा नहीं दे रहा है। आप बताइए, +2 का क्वालिफिकेशन वाले लोग, आपको ग्रेजुएट क्वालिफाइड लोगों को पता रहे हैं, लोग जिन्हें पढ़ना नहीं आ रहा है, जिन्हें क्वेश्चन देख के पढ़ना नहीं आ रहा। आपको भी पता है कि यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिन्हें क्वेश्चन देख के पढ़ना नहीं आ रहा है। एक तो पेंटियम को क्या पढ़ रहा था, एक पेंटियम होता है आपको जी, क्या होता है, प्रोसेसर होता है पेंटियम कंप्यूटर का, क्लास ले रहा था, उसने क्या बोलता है, प्लेटेनियम, या क्या बोल रहा था, पेंटियम है जी, प्लेटेनियम, पेंटियम, क्या क्या पढ़ रहा था हमको पता नहीं, मतलब क्या बताऊं, ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जी। तो प्लीज आप अपने डिस्कवर कीजिए कि आपके सामने वाले को क्या नॉलेज है, इसका मतलब अगर चेहरा नहीं दिखता है तो आप उसको नहीं बता सकते हो क्या नॉलेज है क्या नहीं है। पढ़ने को तो आना चाहिए जी, एटलीस्ट कम से कम पढ़ने को आना चाहिए। बताइए 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इतने हजार व्यू मिलते हैं, और उन्हें एक पढ़ना नहीं आता है हिंदी और इंग्लिश के क्या वर्ड्स लिखे गए हैं, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप गलत डायरेक्शन में हो जी, मैं इतना रुकूंगा। चलिए क्वेश्चन आ गया था न्यूमेरिकल का, बताओ ना आप, मैं वाईफाई चैनल पे आपको ये नहीं बताया गया होगा, अन एकेडमी पे नहीं बताया जा रहा है जी, एजुकेशन शर्मा जी वाले, तो क्या क्या मतलब क्या मैं बताऊं, किसकी बुराई क्या, छोड़िए। चलिए चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीय में फेरों का अनुपात NS/NP, ये देखिए एस क्या मतलब सेकेंडरी है, मैंने द्वितीय में है, प्राइमरी मतलब क्या है जी, प्राथमिक में है, उसका रेशियो दिया है 2:3 है। प्राथमिक वोल्टेज क्या है जी, VP क्या है, 220 वोल्ट है, VS ज्ञात करना है जी। देखिए हमने अभी क्या पढ़ा है जी, हमने पढ़ा है कि ये बराबर ट्रांसफार्मर रिसीवर VS/VP बराबर NS/NP
बराबर आई पी बराबर आई एस, पढ़ा है फॉर्मूला। अब हमको क्या क्या दिया गया है जी इसमें से, देखो यहाँ से हमको क्या दिया है, एन एस अपॉन एन पी दिया गया है जी, ठीक है जी, क्वेश्चन में दिया गया। और क्या दिया गया, प्राइमरी वोल्टेज दिया गया, क्या दिया गया जी, प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया गया जी, प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया। हमसे क्या पूछा है, तो सेकेंडरी वोल्टेज पूछ रहा है जी, हमसे क्या पूछ रहा है, तो ई बी एस पूछ रहा है। बताइए इसका वैल्यू कितना दिया है जी, 2/3, यहाँ से देखिए एन एस अपॉन एन पी, तो देखिए इसको लेंगे 2/3, हमको जब जरूरत रहेगा ले लेंगे, जब नहीं जरूरत रहेगा नहीं लेंगे, वी एस अपॉन वी पी 220, तो क्या आ जाएगा, वी एस बराबर क्या आ जाएगा, 240/3 वोल्ट आंसर। कितना सिंपल है क्वेश्चन। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको नहीं कराए गए हैं जी, आप समझ सकते हो क्या है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। देखिए यहाँ पे 220 वोल्ट हमने लिया था प्राथमिक में, हमको कितना मिला है जी, आउटपुट में कितना वोल्टेज मिला है, 146 वोल्ट। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ जी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप अप लिखा हुआ है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मैं बता रहा हूँ आपको इस बुक में ही नहीं, इसके आपके वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के बुक के वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं, ये छोटे मोटे पब्लिकेशन नहीं है, और इन्होंने बहुत सारी गलती कर रखा है। मैं क्या बताऊं, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है इन सब चैनल को देख के, पब्लिकेशन को देख के, कि आखिर पैसा ले रहे हैं, लेकिन यही बात है कि पैसा ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ। लेकिन आप देखिए जी, चैनल की क्वालिटी बनाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए इन्होंने भी कुछ बुक में, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने भी कुछ इस बुक में क्या किया जी, प्लेटफॉर्म वाले ने कुछ क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं, उन्होंने वीडियो बाद में बनाया है और उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो उनके भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैं उनका वीडियो क्या किया हूँ, आपको मैं अपने प्लेलिस्ट में ऐड किया दिया हूँ, और लाइक वीडियो, लाइक जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें भी ऐड कर दिया हूँ। ये प्लेटफॉर्म के राइटर एस के झा हैं, उन्होंने खुद वीडियो बनाया है, मैंने उसको भी क्या किया जी, लाइक कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं, एस के झा के द्वारा लिखा गया है ये बुक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर, इंजीनियर एस के झा द्वारा लिखा गया है प्लेटफॉर्म वाली बुक, तो आप उसमें यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पेज डाल के देख सकते हैं कि उनका भी क्या है जो कुछ दिया गया है, जो कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उनको समझाने का, एक्सप्लेन करने को कोशिश कर रहे हैं बाद में, तो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल एंड बैटरी। सेल एंड बैटरी भी क्या है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको सेल के बारे में पढ़ना है, तो सेल में ध्यान रखिएगा, सेल जो है आपको दोनों ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो चलिए हम इसको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।